क्या अब जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कह दी बड़ी बात। आखिर क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति? ये तमाम सवाल और कयासबाजियां आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक बार फिर आम आदमी पार्टी के बीच अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को लेकर सुगबुगाहट हो गई है। दरअसल शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी के पास नहीं गए हैं। केजरीवाल ने सोमवार को यानी कि 6 नवंबर को पार्टी के 62 विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आगे की रणनीति पर बात की। मीटिंग के दौरान सभी विधायकों ने एक सुर में बोला कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो वे जेल से ही काम करेंगे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, इसीलिए मुख्यमंत्री वही रहेंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो हम जेल से काम करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट से हम परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर हो सके। हम वहां पर कैबिनेट मीटिंग की फाइल ले जाने की कोर्ट से परमिशन लेंगे। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे। ये तो बात हो गई आतिशी की। अब आपको बता दें कि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने का जनादेश दिया है। हालात ऐसे लग रहे हैं कि हम भी जल्द ही जेल में होंगे। हो सकता है कि आतिशी को जेल नंबर 2 में रखा जाए और मुझे जेल नंबर 1 में, और हम कैबिनेट की बैठकें जेल के अंदर ही करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों का काम ना रुके। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा और ईडी की नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे और यहां उन्होंने रोड शो और रैली में हिस्सा लिया। केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि आपने समन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी केजरीवाल को नया समन जारी कर सकती है। चलिए आपको बता देते हैं कि केजरीवाल ने ईडी को भेजे लेटर में क्या क्या लिखा था। मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध? समन से ये क्लियर नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, यानी इस मामले में आप मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध? आप मुझे दिल्ली के सीएम के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में? ऐसा लग रहा है कि ये मछली पकड़ने की जाल की तरह है। ये समन भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। 30 अक्टूबर की दोपहर को भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि जल्द ही मुझे तलब किया जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि मेरी छवि बदनाम करने के लिए समन भाजपा नेताओं को पहले लीक कर दिया गया था। देश में 5 राज्य यानी कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही है। पार्टी के मुखिया और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी है। दूसरी तरफ मैं दिल्ली का मौजूदा मुख्यमंत्री हूँ। दिवाली के त्योहार के चलते मेरे पास अत्यधिक तौर पर कई काम है जहाँ मेरा होना जरूरी है। अगर हो सके तो समन को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ये तो बात हो गई कि केजरीवाल ने ईडी को लेटर भेजकर क्या क्या लिखा था। वहीं केजरीवाल के ईडी को लेटर भेजने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। मामले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली के सीएम पूछते हैं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया है, तो मैं बताता हूं आपको, ईडी ने इसलिए बुलाया है क्योंकि आप भ्रष्टाचार के सागर हैं। केजरीवाल खुद को पूरी तरह से ईमानदार बताते हैं लेकिन वो पूरी तरह से बेईमान है। केजरीवाल और उनकी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है। घोटाला सैकड़ों करोड़ों का है। जब ये इतना बड़ा घोटाला है तो केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के बीच सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही जेल जाने को लेकर चर्चा नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी गिरफ्तार होंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि अगला नंबर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, केरल के सीएम पी विजयन, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का है।
वहीं बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले को लेकर इसी साल अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई ने पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई ने जितने सवाल मुझसे पूछे सभी के जवाब मैंने दिए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।